ये वो कथा है श्याम बाबा की, जो ऐसी पावन कथा है जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपकी बात नहीं बन सकती। श्याम बाबा की इस कथा के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार सांवरे के हुए कि जिनको बयान करने लगे तो ये रात छोटी है सर। कौन है ये खाटू वाला, कौन है शीश का दादी? दुनिया में सिर्फ एक मंदिर जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और दुनिया में किसी मंदिर के आगे नहीं लिखा बजरंग बली तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा, शेरावाली मां तुम्हारी। नो, सिर्फ एक दरवाजे के आगे लिखा है कि मैं तुम्हारा, और वो खाटू का तुम्हारा। क्यों क्यों है ऐसा, क्यों हमारे श्याम बाबा के श्रृंगार है सिर्फ? क्यों सन 2000 से पहले जिसे कोई जानता नहीं था, आज सन 2000 के बाद उस दरबार में इतनी भीड़ हो गई कि जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कब जाएं साहब, कब जाएं? क्यों मानने वालों की इतनी तादाद क्यों बढ़ी? दुनिया कहती है पहले बाबा चमत्कार दिखा फिर नमस्कार करूंगा। श्याम बाबा का नाम कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। श्याम बाबा का नाम LIC की वो पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और शीश के दाने की वो अमर कथा कौन है? आप मत गाइएगा, मत बोलिएगा, मत ताली बजाइएगा, मगर आपको यूं लगे कि हां एक वो कथा चल रही है जिसमें ताली बजाने से मेरा बेड़ा पार हो सकता है। हां वो बात चल रही है कि जिसको गाने से मेरी भी बात बन सकती है। हां वो बात चल रही है कि जिसको देखने से मेरा भी काम बन सकता है, तो जरूर कीजिए। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए ओ अब बोल कहा जाए ओ। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए, और माता अहलावती के लाल है। बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने को कहा, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरी भोले Yeah.
से, तीन बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाण धारी की, तीन बाण धारी महिमा तो खर्चने का मन होता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन होता है। माँ के पास गए कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो गए। जाने से पहले दो वचन ले लिए, कौन से? पहला वचन, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और दूसरा वचन जो शलिये ने मुझसे निकलवाया है लावती को, कि रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। और जैसे ही माँ को दो वचन दिए, नतमस्तक हुए चल पड़े। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा लियो घोड़े का असवा खाटू वाला सावरियो, लियो घोड़े का असवा खाटू वाला, लियो घोड़े के लिए दोनों हाथ उठा दो, लियो घोड़े के लिए। ये बात कीबोर्ड खोलो भैया, कीबोर्ड पड़े बरबरी की युद्ध की हो, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया ये? एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर उस युद्ध की ओर चल पड़ा जहां पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा लड़ने के लिए तैयार। रस्ते में आते हुए भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कर्ण ने देखा, मगर जब अर्जुन ने देखा दिल दहल गया कि कोई ना कोई है जो युद्ध को बदल सकता है। कन्हैया को बोला, हे गिरधारी आप जरा जाकर देख कर आइए, मुझे डर लग रहा है इसको देखकर कि कहीं हम युद्ध हार ना जाए, कहीं कौरवों के कोई षड्यंत्र ना। तब मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का रूप धारण कर कर और पूछा, हे बरबरीक कहां जाते हो? बरबरीक बोले, प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? पर बरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा इतने बड़े बड़े धुरंधर योद्धा है, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहा है? पर बरीक बोले, प्रभु मेरे जो तर्कश में तीन बाण है ना, आप आदेश करिए एक बाण से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर दो। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, पर बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए। एक बाण और पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया,
आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक, किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। हरे का तू है सारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। कर दिया छल छलिए ने, किसी का नहीं हुआ मुरली वाला। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले बरबरीक, ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा, अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, और अगर कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। सुन लेना प्रेमियों, बरबरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वह शीश का दान तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। बरबरीक ने वचन दिया था अपनी माँ को कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। बरबरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु योद्धा का शीश तैयार है, तलवार तैयार है, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया, और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मां का शीश का दान मुरली वाले ने, और बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दी आशीष उतार खाटू वाले, शीश उतार कर दे। चाहता तो मरता और युद्ध को खत्म कर देता, मगर मां का वचन नहीं टाला। लेकिन बोले प्रभु, योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने शीश को अमृत पिलाया, और आप जानते हैं जिसको अमृत पिला दिया जाए वो अमर हो जाता है। खाटू का शीश कोई आम बात नहीं है, अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर रखा गया, अंत में पांडव जीत गए। ध्यान रखना प्रेमियों, अपने कॉम्पिटिटर को कभी जान से मत मारो, उसको जिंदा रखो। आपकी रिपोर्ट कार्ड आपका दुश्मन नहीं देगा, आप नहीं दे सकते। पांडवों ने क्या गलती करी? सबके सब तो मार दिए थे, पांचों में से योद्धा कौन है बताने वाला भी नहीं बचा। सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले।
दोनों हाथ खोल के और मुकुट बंसी वाले के पास आ रहे पंडित, जरा ताली बजा के चलो चले गिरधारी। बताओ ये युद्ध किसने जिताया? गिरधारी बोले, पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। पांडव हार गए, देखो अभी हम का सहारा बनना था अभी सबसे पहले किसको तारा। पांडव हार गए कि कौन बताए हमें युद्ध किसने जिताया। तो मुरली वाला बोला, एक बार झोली मैंने फैलाई थी तुम्हारे लिए, अब झोली तुम फैला लो और चलो चलो चले शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ खोल के, दोनों हाथ खोल के परवरीक पर शीश के पास। बोले बर्बरीक बताओ ये युद्ध किसने जिताया। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मेरा वॉल्यूम और बढ़ा देना थोड़ा, अगर कोई बाहर हो तो उसके कानों तक भी ये बात चली जाए, क्या पता उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडव किस चीज का घमंड करते हो, अगर योद्धा थे तो बचा लेते अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को, जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई, जहां नहीं थे तुम पांचों पांडव भी कुछ नहीं कर पाए, द्रौपदी का चीर हरण हुआ तुम पांचों बैठे थे क्या कर पाए। मगर गिरधारी था, गिरधारी था मुझे पूरे युद्ध में, हे पांडव मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था, तुम तो सिर्फ कठपुतली थी जो चलाया जा रहे। प्रेमियों मोर मुकुट बंसी वाले को यह जवाब इतना पसंद आया, वरदान दे दिया कि जाओ बरबरी, ये मोर मुकुट बंसी वाला तुम्हें वरदान देता है कि कलयुग में जो मैंने तुम्हें अभी अमृत पिलाया था, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और जाओ कोई भी अगर शाम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं तो खाटू वाला शाम कर करेगा। और जो तूने वचन अपनी माँ को दिया हारे का सहारा, जा तुझे वरदान देता हूँ तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा उस दुनिया में कोई दुबारा हरा नहीं पाएगा। आइए जरा दोनों हाथ खोलकर प्रेम से जरा ताली बजा कर कह देना, छोड़ेंगे ना हम तेरा दारोगा, मरते ना मैं कभी, छोड़ेंगे ना हम तेरा दारोगा, मरते ना मैं कभी, मरते ना मैं नहीं अगले जन्म में कभी, मरते ना मैं नहीं अगले जन्म में कभी, अगले जन्म में नहीं सात जन्म में कभी, अगले जन्म में छोड़ेंगे ना हम तेरा दारो बाबा, मरते हम छोड़ेंगे ना हम तेरा दारो बाबा। अगर शाम प्रेमी हो कम से कम जीवन में 3 लोगों को यह कथा सुना दे,
सब माने जाओगे शाम पे। किस किस को कथा समझ आई? अपने लिए थालियां बजा। वाह कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी और मैं तो कहता हूँ सब कुछ है सरकार तेरी सरकारी में, सब कुछ है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी। कोई आज कीर्तन से जाओ कोई पूछे कि क्या मिला तो उसको प्रसाद निकाल के मत दिखाना, उसको कह देना कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो चलती है ये दुनिया, और हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया। सब मजा आएगा कि कीर्तन में गए थे, कीर्तन में जाने का मतलब ये है। सब कह दो एक बार प्रेम से, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। किस किस के काम आता है, किस किस के काम आता है, ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद एक भजन और सुनाऊंगा। अगर आनंद आया तो जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के प्रेम से ये बात, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। क्यों पड़े दरकार किसी की? मैं बंबई जाता हूं ना, लोग कहते कन्हैया जी कोई काम हो तो बताना हमें, हम मानी जानता है। राजस्थान जाता हूं बोले कोई काम हो तो बताना हमें, टाटा बिरला जानता है। मैं उन्हें कहता हूं जिसने टाटा बिरला तैयार किया हमें वो जानता, तुम्हें कोई काम हो तो बताना करो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। अमीर वो नहीं है जिसकी तिजोरी में करोड़ दो करोड़ पड़े हैं, लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बाहर लिखा है शांति निवास, अंदर कलेश ही कलेश। 5 लाख का डाइनिंग टेबल अगर घर में है तो ये मत समझ लेना कि सुखी हो, क्या फायदा ऐसे डाइनिंग टेबल का, शाम को बैठ के रोटी कोई नहीं खाता उस पर। मगर घर में चटाई बिछी है और पूरा परिवार एक साथ रोटी खाता सबसे बड़े करोड़पति हो। मांग लेना, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। जो छोटे छोटे बच्चे कीर्तन में आते हैं इनके माँ बाप निश्चिंत हो जाएं, इनकी चिंता मत करो, इनकी चिंता कौन करेगा। वृद्धाश्रम देखे आपने, ओल्ड एज होम, बुजुर्ग हैं उसमें, कौन से, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। कारण उन बुजुर्गों ने समय रहते अपने बच्चों को कभी कीर्तन भजन नहीं सुनाया था, इसलिए वृद्धाश्रम में हैं। गारंटी लेता हूं आपका बुढ़ापा आपके पोते पोतियों के साथ कटेगा साहब, वृद्धाश्रम में नहीं कटेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों में ये संस्कार डाल दो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। सरकार पड़े जब भी, परेशान
किसी भी बात से परेशानी को कहना, दरकारे पड़े जब भी ये दौड़ा आता है। सिर्फ गाओ मत, भरोसा रखो। मैं हार जाऊं ये कभी हो बेटा, अगर दुख में पिता। मालूम है ये क्या भरोसा है? क्या भरोसा है? हिसार एक साड़ी की दुकान का व्यापारी, रोज की 1500-2000 की सेल। बेटी का रिश्ता किया, लड़के वालों ने 50,000 का गहना मांग लिया। बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ ये दुनिया वाले बना देते हैं दहेज मांग कर। साहब बेटियां बोझ नहीं होती, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, पर करनाल की कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। क्या बात है, जियो जियो। बेटियां बोझ नहीं होती। लड़की का रिश्ता किया, लड़के वालों ने 50,000 का गहना मांग लिया। जिसकी दुकान पे 1500 रुपए 2000 का गल्ला, 5 दिन बाद का टाइम मिला कि गहना चाहिए, किसके भरोसे पे हाँ करके आया? शाम के भरोसे पे कि बाबा मुझे काम देगा और मैं बेटी ब्याह दूंगा। पहला दिन जोत जलाई, बाबा जब भी जिसे तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसे तेरा नाम पुकारा, जोत जलाई, बैठ गया। पहला दिन निकला 1500 का गल्ला, दूसरा दिन निकला 2000 का गल्ला, तीसरा दिन निकला 1500 का गल्ला, चौथा दिन निकला 2000 का गल्ला। दिन पांचवा आ गया, पेमेंट करनी है 50,000। लीले घोड़े पे चढ़ के 50,000 देने नहीं आएगा वो। सुनो कृपा क्या होती है। सुबह सुबह दुकान खोली, मन परेशान था, लेकिन जोत जलाई, बाबा जब भी जिसे तेरा नाम दोपहर का 1 बज गया। रोज 500 की सेल हो जाती थी, आज वो भी नहीं हुई। दिल टूट गया, दिल टूट गया। घर से फोन आया, बाजार का एक नियम था कि 2 से 3 पूरा बाजार बंद होगा, दोपहर का खाना खाने हर व्यापारी घर जाएगा। मगर जिसका दिल उदास हो, भोजन क्या उससे पानी भी नहीं उतरता। घरवाली को फोन कर दिया कि आज नहीं आऊंगा, क्या करोगे? 2 बजे जोत दोबारा जला दी, जो 12 बजे बुझ गई थी 2 बजे दोबारा जला दी। बाबा जब भी जिसे तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसे तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाएगा पूरा, और अगर मेरी लाज गई तो ठिंडोरा पीट दूंगा। लाज मेरी नहीं, लाज तेरी। प्रेमियों, जो बाजार 2 से 3 बंद था, सिर्फ एक दुकान खुली थी, एक आदमी भागा भागा आया दुकान के अंदर, बोला भाई साहब मुझे 2.5 लाख की साड़ी चाहिए, मगर पूरा बाजार बंद है, क्या आपकी दुकान से मुझे साड़ियां मिल जाएगी? जब भी जिसे तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसे तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, तूने Oh,
वायुसेना का पायलट, भारतीय वायुसेना का पायलट जिसकी हाइट 5.5 फुट है, भारत सरकार उसके ऊपर 300 करोड़ रुपए का खर्चा करती है पायलट बनाने के लिए। आज उस बच्चे ने इतनी मेहनत कर दी कि लास्ट स्टेज है, एक जंप लगानी है 7 फुट की और वो पायलट बन जाएगा। अगर नहीं लगी तो 2 साल पीछे चला जाएगा। पापा को रात को फोन करता है, पापा मुझे बताए 5.5 फुट का बच्चा 6 फुट से ज्यादा छलांग नहीं लगा पाएगा और मैं कल हार जाऊंगा, और अगर छलांग नहीं लगी तो आपका बच्चा हार जाएगा जिंदगी से। उसके पिता ने एक ही राय दी, बेटा जीवन भर तेरे बाप ने सहारे के सहारे को माना, तू भी कल जब छलांग लगाए नीले घोड़े को याद कर कर कूद जाना। बाबा जाने बाबा का काम जाने। और प्रेमियों, जो बच्चा ये नहीं सोच सकता था कि 7 फुट की छलांग कैसे लगाएगा, जैसे कूदने लगा बोला हारे के सहारे की, और 8 फुट की छलांग लगाकर पार कर गया साहब। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा तेरा नंबर जल्दी आ जाएगा, कर भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा तेरा नंबर जल्दी आएगा, कर भरोसा। अभी मंदिर के बाहर कुछ दिनों पहले खड़ा था, इसी फागुन मेले पे एक भिखारी आया, कुछ मांगा उसने, मुझे जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे वो याद आ गया कि 5 साल पहले भी ये यही भीख मांगता था मंदिर के आगे और आज भी मांग रहा है। लेकिन इसने 5 साल पहले मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा नाम हो जाएगा। बाबा मैं तो 2-4 लोगों तक पहुंच गया, मगर ये आज भी वही खड़ा है। मैंने सवाल किया बाबा से, बाबा ने पता क्या उत्तर दिया कि कन्हैया फर्क सिर्फ इतना है कि तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है, इसको मंदिर के बाहर भरोसा। क्या बात है जीओ जी। जिस दिन इसको मंदिर के अंदर भरोसा हो जाएगा ना, उस दिन इसका भीख मांगना बंद हो जाएगा। क्या बात, दुनिया पे भरोसा मत करो साहब, दुनिया दुनिया से जो तू मांगे तेरी शान जाएगी, यारी तू निभा ले शाम से तेरे काम आएगी। मेरा दोनों हाथ खोल कर कह दो हरे हरे हरे, तुम्हारे के सहारे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल में चले हरे हरे हरे, तुम्हारे के सहारे जानंदाया कीर्तन। एक बार अपने लिए शोर मचा दो जरा जोर से, तू है मेरा एक सावेरा।
जाओ ना दरबार में तो थोड़ा सा टाइम दिया करो उसे, थोड़ा सा टाइम दिया करो। इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं करता साहब जितनी जल्दी बाबा काम कर देता है, और उसमें भी हम उसको टाइम नहीं देते। अर्जियां बहुत है साहब, तो बहुत इंतजार जरा पहली क्लास का बच्चा बोले मुझे बारहवीं का सर्टिफिकेट दे दो, पॉसिबल है? उसको तो पहली का ही मिलेगा, बारहवीं के लिए उसको बारहवीं तक जाना पड़ेगा, इसीलिए इंतजार तू है मेरा भाई, कह रहा था आधे घंटे और अभी चले। आप सही हो, मैं भी सही हूं। आपने देखा लड़का गया, उसकी टाइमिंग है आधे घंटे पहले जाने की, मैं जाता आधे घंटे बाद ही। के खुशियां मिलती नहीं मांगने से, के खुशियां मिलती नहीं मांगने से, और मंजिल मिलती नहीं रुक जाने से। अरे भरोसा रखना मेरे बाबा पे, अरे सब कुछ देते हैं वो सही वक्त आने पे। तू है मेरा भी गया, बोला बाबा मेरा काम नहीं बन रहा। बाबा ने पूछा क्या बात, तुझे काम नहीं आता या तू करना नहीं चाहता? बोला बाबा ये समय काम नहीं कर दे रहा, कभी नोटबंदी हो जाती है कभी जीएसटी लग जाती है। अमीर कौन है? उस दिन पता लगा जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर को, कोई टेची लेके यहां घूम रहा था, कोई टेची लेके यहां, और जिसके पास नहीं था। वाह क्या बात है जियो, सुबह देखेंगे क्या होगा। लेकिन जो बाबा के सहारे थे वो तब भी मुस्कुरा रहे थे और अब भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। बाबा को बोला बाबा ये समय काम नहीं करने दे रहा, तो बाबा ने पता क्या किया, समय को बुलाया, ऐ समय इधर आ, और यहां खड़ा हो जा, और प्रेमी को बुलाया बेटा इधर आ, यहां खड़ा हो जा, और समय को समझाया क्या, ऐ समय बात पेशा इसमें है सावरे की कृपा, ऐ समय बात पेशा इसमें है सावरे की कृपा। समय बोला नहीं बाबा मैं इसको परेशान करूंगा, बाबा बोला तेरी औकात क्या है, तो 2016 में कुछ था, 17 में कुछ था, 18 में कुछ होगा, मगर मेरा प्रेमी नरेला वाला 16 में भी हंस रहा था, 2017 में भी हंस रहा था, और 2018 में भी हंसेगा। तेरी औकात क्या है पता हो, इसके सर पे मैंने हाथ धरा, सांवरे की कृपा, इस पर है सांवरे की कृपा। जरा ताली बजा के एक बार, इसके बाद 2-4 लाइनें और जरा प्रेम से ये बात, एक दो तीन चार।
मैनू समझाउणा सी आप रुस चले जग वेखदा तमाशा वेखदा तमाशा कल लाऊ कौन वे आप तो वे रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे आप तो वे रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे आप तो वे रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे बोलते हैं क्या तू देते हैं ना क्या देते हैं मंदिर में पंखे दान करते हैं पंखों पर स्वर्गीय माता पिता का नाम जीते जी हमसे परेशान रहे मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहे बोले जब तक पंखा चलेगा तब तक खानदान का नाम चलेगा नैना देवी चले जाओ मैया के पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा माता की करता जा थोड़ी थोड़ी चढ़ता जा हे माता की करता जा क्या करे माता तो याद ही नहीं आती पहली पौड़ी पे शर्मा जी दूसरी पे वर्मा जी तीसरी पे गुप्ता जी चौथी पे मित्तल साहब पांचवी पे अग्रवाल जी नाम पढ़ते रह जाते दान करो ऐसा इस हाथ से करो तो इस हाथ को ना पता लगे हम पहले अखबार में देते फिर दरबार में देते पहले दरबार में दे दिया करो अखबार में मुरली वाला अपने कह दो प्रेम से पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे मेरी इच्छा है अगर मंडल वाले पूरी कर सके तो मेरी इच्छा है बाबा की आरती आज मैं गाकर जाऊं अगर आप चाहें तो क्योंकि मैं जब आरती श्याम बाबा की करते हैं तो 10 मिनट मुझे लगते हैं क्योंकि मैं बड़ा विधि से चलने वाला इंसान हूं मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कर सकता तो माता का भजन सुना रहा हूं लेकिन ये दो लाइनें बड़ी प्यारी है दिल की प्रेम से पकड़ लो हाथ नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना जाएगा हमारा कुछ ना जाएगा तुम्हारी शान जाएगी तू साथ है करना सदा तू साथ है करना सदा घर में चार मेहमान आ गए सिर पकड़ के मत बैठा करो कि इनकी रोटी भी बनानी पड़ेगी भगवान को शुक्रिया करो करो कि आपने हमें ऐसा अनाज दिया है जो सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं हमारे दरवाजे पे भी कोई आ जाए तो कभी खाली नहीं जाता क्या बात शुक्रिया करो आज कमी किसी के पास नहीं है जो आया है उसके पास भी कमी नहीं है कमी बस दिलेरी की है सिर्फ दिलेरी की दिल की हर दिल में शाम का बसेरा होता है जहां नहीं शाम वहां अंधेरा होता है तीर अंधेरे में चलाए तो फिर शाम क्या करे मांगना ना आए तो शाम क्या करे तू साथ है Yes.
भैया कर्जे छुपाए कैसे भैया इतना बता दो मुझे सांवरे क्यों हम हारे हारे ओ